हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में जिसमें हम देखने वाले हैं बीटेक कोर्सेज बी फुल इंफॉर्मेशन जानने वाले, वो भी आसान हिंदी में। तो इसमें हम देखेंगे एलिजिबिलिटी क्या होती है दोनों के लिए, फीस कितनी होती है, स्कोप कैसा है, और ये वीडियो लास्ट तक देखना क्योंकि आखिर में मैं सैलरी भी बताने वाला हूँ कि दोनों की सैलरी कितनी होती है। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर देना क्योंकि ऐसे वीडियो में लाता रहता है। तो शुरू करते हैं ओवरव्यू से। देखिए, बीटेक जो होता है उसे हम बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी कहते हैं। 4 साल का अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग कोर्स है और उसके बाद आप आईटी सेक्टर में अलग अलग फील्ड में काम कर सकते हो बीटेक के बाद। और जो बीई होता है तो वो भी सेम होता है। देखिए, बीई और बीटेक में जो फर्क होता है वो ज़्यादातर नहीं होता है। वहाँ पे सिर्फ जो है बीई का सिलेबस जो है ना वो थियरी ओरिएंटेड होता है, मतलब यहाँ पे थियोरेटिकल जो पार्ट होता है थोड़ा ज़्यादा होता है, और बीटेक में जो है ज़्यादातर प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा दिया जाता है। बाकी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता। अगर आपने कभी जॉब की जो एडवर्टाइजमेंट आती है, कोई हायर कर रहा है, तो वहाँ पे जो है ना, तो कोई भी अगर बीटेक के बच्चों को ले रहा है तो वहाँ पे बी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे लिखा हुआ रहता है कि BTech/BE, मतलब इन दोनों में से अगर आपने कोई भी किया है आप वहाँ पे एलिजिबल हो। इसका मतलब क्या है कि बी बीटेक लगभग सेम ही है, बट यहाँ पे जो है थोड़ा थ्योरी पार्ट है और यहाँ पे ज़्यादा प्रैक्टिकल है। इन दोनों से आप जो भी करोगे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। और एलिजिबिलिटी तो ये भी लगभग सेम ही है, इसमें भी कोई आपको डिफरेंस नहीं लगता। आपको सिर्फ 12th पास होना है साइंस में, PCM या PCMB ग्रुप जो होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, ये आपको होना चाहिए 12th में। प्लस एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ती है JEE मेन जैसी, या स्टेट वाइज अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम रहती है, जैसे महाराष्ट्र में MHT CET रहती है, तो आपको ये देनी पड़ती है। दोनों के लिए सेम है। और अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर के लिए भी जा सकते हो, बी बीटेक दोनों के लिए डायरेक्ट सेकेंड ईयर, बट वहाँ पे सीट्स बहुत कम रहते हैं। और जो फीस होती है दोनों की, फीस लगभग सेम ही होती है, मतलब 80,000 से लेके 3,50,000 तक पर ईयर के लिए होती है। कॉलेज पे भी डिपेंड करता है, कम ज़्यादा हो सकती है वहाँ पे। और जो स्कोप होता है लगभग दोनों का सेम है, जैसे मैंने कहा कि कोई भी अगर हायर कर रहा है बी बी टेक को, दोनों को सेम प्रायोरिटी देते हैं, कोई भी वहाँ पे डिफरेंस नहीं रहता, दोनों बच्चे सेम इक्वली है, तो वहाँ पे जो है कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। और बी बी टेक के बाद आप आसानी से एंड्रॉयड डेवलपर, वेब डेवलपर, डेटा साइंटिस्ट आप बन सकते हो। और वैसे भी COVID-19 के बाद जो है आईटी सेक्टर में बहुत बड़ा हायरिंग भी हो रही है, बड़ी बड़ी कंपनी जो है हायर कर रही है सभी को, ये हुआ। उसके बाद जो सैलरी सैलरी देखिए, दोनों का सैलरी भी लगभग सेम ही रहता है, मतलब 2.5 लाख से लेके 29 लाख तक का जो पर ईयर का पैकेज होता है ये मिल जाता है बी बी टेक दोनों के स्टूडेंट को। बट ये स्टूडेंट के स्किल और नॉलेज पे भी डिपेंड करता है कि अगर नॉलेज अच्छा होगा तो इससे भी ज़्यादा मिल सकता है पैकेज, है इससे भी कम मिल सकता है। इससे रिलेटेड और कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हो, वहाँ पे भी मैं आपको बता दूंगा।